सिर्फ धार, ना केवल रफ्तार, खबरों में सार और मजबूत आधार। आप देख रहे हैं नेशनल टुडे लाइव धनबाद का लोकप्रिय न्यूज चैनल, मैं हूं सरता। चलिए खबर की ओर। इंटक के प्रदेश अध्यक्ष समीर खान उर्फ चिकू खान ने प्रेस वार्ता कर मीडिया के सामने मोर्चा खोला। अब नहीं होने देंगे गुंडों की गुंडागर्दी। जी हां, मैं आपको बता दूं कि गरीब रैयतों की जमीन को कोई नहीं हड़प पाएगा, चिकू खान ने मीडिया को बताया। देखिए उन्होंने क्या कहा। लोगों को सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। क्या कुछ बंदी का कारण रहा, क्या कुछ सपोर्ट करेंगे, पूरी बात बताएं। देखिए, रैयत की जमीन के का ये मामला है, रैयतों की जमीन का ये मामला है, और रैयत की जमीन माँ होती है। अगर कोई भी किसी की माँ के साथ छेड़छाड़ करेगा तो ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ मैं भी ये बात को मानता हूँ कि हो सकता है कि कंपनी को इस बात का इंफॉर्मेशन नहीं होगा कि कौन सी ज़मीन उसके अंदर है, कौन सी ज़मीन उसके अंदर नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कंपनी को भी बलगलाते हैं, जिसके वजह से सीधे साधे मजदूर गरीब रैयतों की ज़मीन का ये लोग जबरन इस्तेमाल और यूज़ में ले लेते हैं कुछ गुंडों के जरिए। कौन से कंपनी के द्वारा रैयतों का ज़मीन लिया गया है? ये संजय उद्योग ट्रांसपोर्टिंग। कौन कौन से लोग इसमें शामिल है? राजकुमार और असलम मंसूरी। क्या ये बातें आप लोगों ने आगे ऊपर उच्च अधिकारी के सामने रखी है? जी हाँ, हम लोगों ने ये बातें रख दी है। क्या कुछ आश्वासन दिया गया उनके द्वारा? जो सही है, जो हक है, वो तो ना मिलेगा, ये आश्वासन दिया गया। आप और आपकी पार्टी के द्वारा क्या कुछ मांग किया जा रहा है? मेरे और मेरे पार्टी के द्वारा, मेरे कांग्रेस पार्टी, मेरे कांग्रेस राज मजदूर इंटक के द्वारा ये मांग किया जाता है कि मजदूरों का जो हक है वो आप उनका हक दे दीजिए, आप उनका ज़मीन दे दीजिए, आप अपना ट्रांसपोर्टिंग करना है तो आप उसके साइड से ना रास्ता निकाल लीजिए, उससे हमको मतलब नहीं। उसमें वो लोग तो खेती बाड़ी कर रहे थे, खेती बाड़ी तो उन लोगों ने बर्बाद कर दिया है। वहाँ पर पीछे मजदूर भाई को भी कि जिन लोगों ने 40,000-50,000 पैसा देकर नौकरी लिया है, हाँ, और जिसको दे के लिया है वो भी मेरे पास आए, मैं उनसे उनका पैसा भी दिलवाऊंगा। मैं ये चैलेंज करता हूँ, ये मेरा चैलेंज है कि मैं उनका वो जो 40,000-50,000 में ना नौकरी ये लोग जो बेचते हैं मजदूरों उसको, और मजदूर को बेच कर नौकरी लगाते हैं, वो पैसा भी मैं उनका वापस दिलाऊँगा ना थोड़ा दिन में। मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि उनके बहकावे में आगे कंपनी प्रबंधक होश में आओ। मांग तो एक सूत्री मांग हम लोग का है कि जमीन के बदले उचित मुआवजा है ना, और बाकी जो है नियमता जो बीसीसीएल का जो संविधान है उसके अनुसार हमको गांव को अधिकार मिले। और जो आरोप जो है पिछले दिनों कल का अखबार में आज के अखबार में देखने को मिला है कि हम यहाँ अशांति फैलाते हैं, कंपनी से पैसा लेते हैं, तो इस विषय में दो शब्द हमको कहना है कि राजकुमार असलम और असलम मंसूरी, इन लोग का अकाउंट चेक किया जाए, इन लोग का साथी का अकाउंट चेक कर जाए कि कंपनी द्वारा कितने पैसा की टर्नओवर इन लोग का खाता में आता है और कितने पैसे इन लोग रंगबाजी लेते हैं। दूसरा कि इन लोग अपराधी दूसरे को बोल रहे हैं, इन लोग खुद अपराधी हैं, इसका CCTV खंगाला जाए। जो इन लोग CCTV लगाया हुआ है उसमें रात को अंधेरे में कई एक फोटेज जो गायब करता है और कई एक फोटेज अपराधी के साथ डिस्कशन किया जाता है। ये आपराधिक तत्व हैं जिसका जांच 3 थाना में इन लोग को दर्ज है, जोगता थाना, किंदवाड़ी थाना, पुटकी थाना, लयाबाद थाना। अगर इसको आपराधिक अगर जाँच किया जाए तो इन लोग खुद एक अपराध है। दूसरी बात कि इन लोग एक मजदूर पिकिंग ब्रेकिंग का मजदूर है, आज भी इसका भुगतान ये लोग लेते हैं। तो एक पिकिंग ब्रेकिंग मजदूर का ये लाखों करोड़ों का बंगला, 20 लाख 25 लाख का गाड़ी नया नया घूर रहा है, अकाउंट में लाखों करोड़ों का टर्नओवर हो रहा है, ये कहाँ से पैसा आया? आज भी इन लोग का जो साथी था जो मजदूरी किया हुआ है आज भी वो दयनीय स्थिति में है। तो ये इन लोग का कौन सा ऐसा खजाना मिल गया जो इन लोग रातों रात जो है करोड़पति बन रहा है।